हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय नवीन सर। आज हम लोग जो पोएम पढ़ेंगे उसका टाइटल है द लोटस ईटर्स, और इस पोएम को लिखा है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने। आपको टेनिसन के बारे में जो बातें पता होनी चाहिए उनमें एक बात तो ये है कि टेनिसन जो है वो विक्टोरियन एज के पोइट थे, और उनका जन्म जो है वो 1802 में हुआ था, और 1892 में उनकी डेथ हुई थी। तो स्टूडेंट्स, टेनिसन ने ये जो पोइम लिखी है लोटस ईटर्स, इस पोइम के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं। ये जो पोइम है, इस पोइम का सोर्स जो है वो एक एंशंट राइटर हुए हैं होमर, जिनका नाम है होमर की एक बुक है जिसका नाम है ओडिसी। ओडिसी जो बुक है वो एक महाकाव्य यानी एक एपिक है, और उसकी पूरी जो स्टोरी है वो मैं आपको अलग से किसी एक वीडियो में बताऊंगा। ट्रॉय का युद्ध हुआ था, जैसे अपने यहाँ रामायण और महाभारत के युद्ध हुए थे, वैसे ही ट्रॉय का एक युद्ध हुआ था, और वो बड़ा ही भयानक युद्ध हुआ था। बहुत लंबे समय तक, 10 साल तक वो चला था, और उस युद्ध को जीतने के बाद जो एक सैनिक है या सेनापति है जिसका नाम है यूलिसिस, वो सेनापति और ट्रॉय के युद्ध के बाद अपने देश वापस लौटता है। तो वापस लौटते समय उसे रास्ते में बहुत सारे एडवेंचर्स जो हैं वो उसके सामने आते हैं, तो वो जो एडवेंचर्स हैं उन्हीं की सीरीज में ही रीचेज ए प्लेस ऑफ लोटस ईटर्स, वो एक ऐसे स्थान पे पहुंचता है जो कि लोटस ईटर्स का आइलैंड है। अब लोटस ईटर्स जो है वो कौन है, वो लोटस नाम का एक फ्लावर है, एक फल है जिसको वो खाते हैं, और वो एक नशीला फल है, तो उसको खा करके और वो हमेशा नशे में रहते हैं। तो इस पोइम में जो मुझे सबसे अच्छी बात लगी टेनिसन की, वो है जो लैंडस्केप उन्होंने प्रेजेंट किया है, यानी पूरा का पूरा जो आइलैंड है वो इतना ज्यादा, और उन्होंने उसका इफेक्टिव प्रेजेंटेशन उन्होंने दिया है कि वो ऐसे लगता है जैसे पूरा आइलैंड जो है वो लोटस के इम्पैक्ट में है, लोटस के प्रभाव में है। तो ये काफी लंबी पोइम है, तो इसे हम सीरीज में पढ़ेंगे, यानी 2 या 3 या 4 वीडियोस में मैं आपको इसे पढ़ाऊंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं पोइम द लोटस ईटर्स। यस स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स स्टार्ट रीडिंग द पोइम लोटस ईटर्स। ये पोइम मेरी एक फेवरेट पोइम्स में से एक है, क्योंकि इसमें टेनिसन ने जो इफेक्ट क्रिएट किया है, पूरा का पूरा जो वातावरण है लोटस ईटर्स का या लोटस आइलैंड का, वो बड़ा ही और प्रभाव पैदा करता है, एंड इट क्रिएट्स एन एटमोस्फियर दैट लुक्स लाइक रियल, एंड इट्स अ पिक्चर्स डिस्क्रिप्शन ऑफ द आइलैंड ऑफ लोटस ईटर्स। यहाँ पे कवि ने जो वर्णन है वो बहुत ही पिक्टोरियल वे में किया है, चित्रात्मक वर्णन उन्होंने किया है, और काफी सारे जो फिगर्स ऑफ स्पीच हैं उनका भी यूज उन्होंने इसमें किया है। तो आइए हम देखते हैं पोइम, मैं पढ़ाने जा रहा हूं, शुरू करते हैं हम पोइम। करेज ही सेड एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, दिस माउंटिंग वेव विल रोल अस शोरवर्ड सून, इन द आफ्टरनून दे केम अनटू अ लैंड इन विच इट सीम्ड ऑलवेज आफ्टरनून, All around the coast the languid air did swoon, breathing like one that has a weary dream. Courage, अब मैंने जैसे आपको बताया कि लोटस आइलैंड पे जो यूलिसिस और उसके साथी हैं वो समुद्र के रास्ते से अपने देश वापस लौट रहे हैं ट्रॉय के युद्ध के बाद, और रास्ते में वो, क्योंकि लंबा रास्ता है और सारे जो नाविक हैं वो थक चुके हैं, तो रास्ते में इस लाइन से हमें ऐसे महसूस होता है, ऐसे लगता है कि वो लोग थके हुए हैं और किसी जमीन की तलाश में हैं जहां पे वो रुक सकें, अपने जहाज को रोक सकें। तो यहां पे एक जमीन उन्हें दिखाई देती है, तो जो नाविक हैं उनमें से एक जना कहता है करेज यानी साहस करो, एंड पॉइंटेड टुवर्ड्स द लैंड, और उसने जमीन की तरफ इशारा किया कि देखो वहां पे जमीन दिखाई दे रही है। दिस माउंटिंग वेव विल रोल अस शोर वर्ड सून, शोर कहते हैं किनारे को, तो वो कहता है कि ये जो लहर है, वेव है, ये हमें उस किनारे तक पहुंचा देगी।
इन द आफ्टरनून दे केम ऑन टू ए लैंड इन विच इट ऑलवेज सीम्ड आफ्टरनून. दोपहर तक वो ऐसे जमीन पर पहुंचे जहां हमेशा दोपहर प्रतीत होती थी. यानी वहां का एटमोस्फियर ऐसा था कि ऐसे लगता था मानो वहां हमेशा दोपहर ही रहती हो. दोपहर का समय क्योंकि आलस्य का समय है तो इसलिए वहां का माहौल हमेशा आलस्य का माहौल रहता था. ऑल राउंड द कोस्ट द लैंग्विड एयर डिड स्वून. जो वर्ड्स हैं वो बहुत ही और केयरफुली सिलेक्ट किए हुए हैं. स्वून का मतलब एक तरह से बेहोशी या अनकॉन्शियसनेस भी होता है. तो जो कोस्ट यानी किनारा है उस पे जो हवा बह रही थी वो लैंग्विड एयर थी, यानी बिल्कुल और उदासी भरी, और जैसे हवा है वो भी आलस्य से भरी हुई हवा वहां पे बह रही थी. लेजी लेजी एयर जो है वो वहां पे हर समय बह रही थी. ब्रीदिंग लाइक वन दैट हैज अ वेरी ड्रीम. वेरी मीन्स स्लीपी. ऐसे वो हवा बह रही थी मानो कोई नींद में हो. जैसे हवा ऐसे लग रहा था मानो नींद में हो. फुल फेसेड अबाउट द वैली स्टूड द मून एंड लाइक ए डाउनवर्ड स्मोक द स्लेंडर स्ट्रीम अलोंग द क्लिफ टू फॉल एंड पॉज एंड फॉल डिड सीम. देखिए कितना सुंदर उन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है. वहां पे चंद्रमा जो है वो आकाश में दिखाई दे रहा था और वहां जो एक झरना बह रहा था, स्ट्रीम जो एक बह रही थी, पानी की धारा बह रही थी, उसकी तुलना कवि ने की है डाउनवर्ड स्मोक से. देखिए कितना सुंदर शब्द है. स्मोक हमेशा धुआं जो है वो ऊपर की तरफ उठता है, लेकिन यहां पे वो पानी ऐसे गिर रहा था जैसे धुआं नीचे की तरफ बह रहा हो. तो ये भी अपने आप में एक तरह से और पैराडॉक्सिकल है, विरोधाभासी है. अलोंग द क्लिफ टू फॉल एंड पॉज एंड फॉल डिड सीम. अब वो झरना भी ऐसे लग रहा था जैसे फॉल गिर रहा था, पॉज रुक रहा था, फिर फॉल यानी गिर रहा था, जैसे रुक रुक करके वो बह रहा था. यहां पे टेनिशन ने ऑनोमेटोपिया जो एक फिगर ऑफ स्पीच है उसका प्रयोग किया है, जिसका मतलब होता है कि शब्दों की ध्वनि से उनका अर्थ जो है वो पता लग जाता है. आइए अब हम दूसरा स्टेंजा देखते हैं. A land of streams, some like a downward smock, slow drooping wheel of thinnest lawn did go, and some through wavering lights and shadows broke. Land of streams. अब उन्हें पहले एक ही धारा दिखाई दे रही थी, फिर उन्हें दिखाई देते हैं बहुत सारे झरने वहां बह रहे हैं. तो वो कहते हैं it's a land of streams. कुछ झरने जो हैं वो downward smock, यानी नीचे की तरफ गिरते हुए धुएं की तरह लग रहे थे, और कुछ ऐसे लग रहे थे जैसे स्लो ड्रॉपिंग व्हील ऑफ थिनेस्ट लॉन, बिल्कुल महीन कपड़े के बने हुए पर्दे, जैसे बिल्कुल महीन कपड़े से बने हुए जो पर्दे हैं वो नीचे गिर रहे हों. एंड सम थ्रू वेवरिंग लाइट्स एंड शेडोज ब्रोक. वेवरिंग का मतलब झिलमिलाती हुई रोशनी. जो सूर्य की किरणें जंगल में से गुजर रही थी उनके बीच में से और कुछ झरने जो हैं वो नीचे गिरते हुए दिखाई दे रहे थे. रोलिंग द स्लम्बरस शीट ऑफ फॉर्म बिलो. और वहां पे स्लम्बरस शीट ऑफ फॉर्म बिलो, यानी जो स्लम्बरस का मतलब है स्लीपी यानी नींद में होना, और वो जो झरने बह रहे थे उनमें शीट ऑफ फॉर्म यानी ऊपर तो पानी था और पानी की परत थी और ऊपर जो हल्का पानी का धुआं है वो दिखाई दे रहा था, और उस धुएं के नीचे जो है वो शीट ऑफ फॉर्म यानी झाग की एक परत जो है वो बह रही थी. फ्रॉम द इनर लैंड फार ऑफ थ्री माउंटेन टॉप्स थ्री साइलेंट पिनेकल्स ऑफ एजिड स्नो. और वहां पे तीन पहाड़ की चोटियां दिखाई दे रही थी जो साइलेंट पिनेकल्स की तरह थी. पिनेकल का मतलब है माउंटेन पीक्स यानी पहाड़ की चोटियां. स्टूड सनसेट फ्लस्ट. और वो सनसेट से नहाए हुए थे यानी सूर्य की अस्त होती हुई रोशनी जो है, अस्त होते हुए सूर्य की जो रोशनी है उसमें वो नहाए हुए थे. ड्यूड विद शोवरी ड्रॉप्स अप क्लोम द शेडोवी पाइन. पाइन जो है वो ट्रीज हैं यानी पेड़ हैं, और वो जो पेड़ हैं शेडोवी पाइन का मतलब हो गया छायादार वृक्ष जिनकी छाया घनी होती है.
वो ऊपर की तरफ उठ रहे थे, यानी पहाड़ों पर वो पेड़ उगे हुए थे। वोवन कॉप्स, वोवन कॉप्स का मतलब है डेंस फॉरेस्ट, यानी बहुत घना जंगल वहां पे था। नाउ द नेक्स्ट स्टैंजा, द चार्म सनसेट लिंगर्ड लो डाउन इन द रेड वेस्ट। अब देखिए कितने सुंदर शब्दों का प्रयोग कवि ने किया है। चार्म सनसेट, सनसेट जो है वो ऐसे लग रहा था मानो चार्म्ड हो, एज इफ सम मैजिक स्पेल हैड बीन कास्ट ओवर इट। ऐसे लग रहा था मानो सूर्य पे भी किसी ने जादू कर दिया हो और वो अस्त नहीं हो रहा था, यानी बीच में ही अटक गया था। थ्रू माउंटेन क्लेफ्ट्स द डेल वाज सीन फार इनलैंड, और पहाड़ के जो क्लेफ्ट है यानी पहाड़ के बीच की जो जगह है उसके बीच में से मैदान दिखाई दे रहा था, येलो डाउन बॉर्डर्ड विद पाम, और जमीन जो है वो येलो कलर की थी क्योंकि उस पर लोटस के फ्लावर उगे हुए थे, और उस पर बॉर्डर जो था वो पाम ट्रीज का बॉर्डर था। एंड मैनी वाइंडिंग वेल एंड मिडो, और वहां पे बहुत सारी घाटियां थी, वेल यानी घाटियां, वाइंडिंग का मतलब है जिग जैग यानी घुमावदार, और मिडोज थे यानी चारागाह थे, सेट विद स्लेंडर गैलिंगल। गैलिंगल जो है वो एक तरह का एरोमेटिक प्लांट होता है, यानी एक खुशबूदार पौधा होता है, वो वहां पे उगे हुए थे। ए लैंड वेयर ऑल थिंग्स ऑलवेज सीम्ड द सेम, ऐसी जो जगह थी जहां पे हर समय एक जैसा ही माहौल रहता था, यानी कोई चेंज नहीं होता था। एंड राउंड अबाउट द कील विद फेसेस पेल, डार्क फेसेस पेल अगेंस्ट दैट रोजी फ्लेम, द माइल्ड आइड मेलंकली लोटस सिटर्स केम। कील शब्द का अर्थ है शिप यानी जहाज, और उस जहाज के चारों तरफ लोटस ईटर्स आ गए और वो इकट्ठे हो गए। अब वो जो जहाज है, वो जो लोटस ईटर्स हैं, उनके चेहरे पर जो सूर्य की रोशनी गिर रही थी तो उनके जो चेहरे हैं वो बिल्कुल फीके और पीले पड़े हुए दिखाई दे रहे थे। माइल्ड आइड यानी उनकी जो आंखें हैं वो बहुत ही जेंटल थी, यानी जैसे कोई नींद में होता है या नशे में होता है वैसी उनकी आंखें लग रही थी, और वो मेलंकली दिखाई दे रहे थे यानी उदास दिखाई दे रहे थे। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टैंजा देखते हैं। ब्रांचेस दे बोर ऑफ दैट एंचेंटेड स्टेम लेडन विद फ्लावर एंड फ्रूट वेयर ऑफ द गेव टू ईच अदर, उनके हाथों में उस जादुई पौधे की शाखाएं थी। एंचेंटेड का मतलब है मैजिकल प्लांट, तो उनके हाथों में मैजिकल प्लांट जो है उसकी शाखाएं थी और उसमें फूल और फल लगे हुए थे, और उन्होंने वो फल खाने के लिए सबको दिए। बट हु सो डिड रिसीव ऑफ देम एंड टेस्ट टू हिम द गशिंग ऑफ द वेव फार फार अवे डिड सीम टू मोर एंड ट्रेव, लेकिन जिसने भी उस फल को खाया उसे समुद्र के लहरों की आवाज ऐसे लगने लग गई मानो वो मौन कर रही हो, यानी विलाप कर रही हो, रो रही हो, लहरों की आवाज ऐसे लगने लग गई जैसे किसी के रोने की आवाज हो। ऑन एलियन शोर्स, एलियन का मतलब होता है अननोन और फॉरेन, तो अब वो जो जमीन है वो उन्हें क्योंकि वो उनके घर से दूर थी तो उन्होंने उसको एलियन लैंड कहा है। एंड इफ हिज फेलो स्पेक हिज वॉइस वॉज थिन एज वॉइसेस फ्रॉम द ग्रेव, अगर कोई बोलता तो उसकी आवाज ऐसे लगती जैसे ग्रेव यानी कब्र से वो बोल रहा हो। एंड म्यूजिक एंड डीप एस्लीप ही सीम्ड इट ऑल अवेक, सभी जाग रहे थे लेकिन सभी ऐसे लग रहा था मानो गहरी नींद में हो। एंड म्यूजिक इन हिज इयर्स हिज बीटिंग हार्ट डिड मेक, और उनका हृदय जो है उसकी धड़कन उनके कानों में संगीत की तरह बज रही थी। नेक्स्ट स्टैंजा, दे सेट देम डाउन अपॉन द येलो सैंड बिटवीन द सन एंड मून अपॉन द शोर, अब वो वहीं पर बैठ गए, नीचे उनके जो जमीन थी येलो क्योंकि वहां पे लोटस उगे हुए थे, इधर एक तरफ उनके सूर्य था और दूसरी तरफ मून यानी चंद्रमा था। एंड स्वीट इट वॉज टू ड्रीम ऑफ फादरलैंड, अब वो अपने घर के बारे में सपने ले रहे थे, सोच रहे थे, ऑफ चाइल्ड एंड वाइफ एंड स्लेव, अपने परिवार, अपने बच्चे, पत्नी और अपने नौकरों के बारे में। बट एवर मोर मोस्ट वेरी सीम्ड द सी वेरी द ओर वेरी द वॉन्डरिंग फील्ड ऑफ बैरन फॉर्म, लेकिन अब उन्हें जो वेरी शब्द का अर्थ है थकान, थकाने वाला, लेकिन अब उन्हें समुद्र जो है वो बहुत ही थकाने वाला लग रहा था, और यानी जो पतवार है और जो बैरन फॉर्म यानी जो समुद्र है उसका पानी और समुद्र जो है वो उन्हें बहुत ही थकाने वाला लग रहा था। देन समवन सेड वी विल रिटर्न नो मोर,
तभी उनमें से एक जन ने कहा अब हम वापस नहीं लौटेंगे एंड ऑल एट वंस दे सैंग आवर आइलैंड होम इज फार बियॉन्ड द वेव वी विल नो लॉन्गर रोम। और फिर एक साथ सभी ने गाया कि हमारा घर यहां से बहुत दूर है अब हम और यात्रा नहीं करेंगे। तो स्टूडेंट्स यहां पे हमारी पोइम का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको इसका कोरिक सॉन्ग जो है वो पढ़ाऊंगा। पोइम आपको कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स अ लॉट।